Students of class 2, today is a lovely day. Myself Anil Singh Rajput from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown Bihar, our school started online classes on YouTube. So I'm representing online classes for class 2 subject science. Yeah, science means Vigyan. So let's begin. Student, this is a book of science everyday life for class 2. So let's begin. Student, मैंने आपको chapter 5 का ये हमारा चैप्टर 5 है, एयर द नीड ऑफ लाइफ, हवा जीवन के लिए ज़रूरी. इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था और इसका बुक वर्क भी मैंने करा दिया था. और आज मैं आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कराऊंगी. तो जो हमारा चैप्टर क्लास 2 के लिए है और सब्जेक्ट है हमारा साइंस, सब्जेक्ट हमारा विज्ञान है, मतलब कि विषय हमारा विज्ञान है. और चैप्टर फाइव है हमारा और चैप्टर नेम इज़ एयर द नीड ऑफ लाइफ, मतलब हवा जीवन के लिए ज़रूरी. यहाँ पर हमारा बहुत सारा वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है और मैं वन बाय वन करके आपको बताऊँगी. वर्ड मीन्स शब्द होता है और मीनिंग मीन्स अर्थ होता है. यहाँ फर्स्ट जो वर्ड है वो हमारा एयर है. एयर मतलब होता है हवा. एयर का स्पेलिंग है AIR. एयर मीन्स हवा. सेकेंड वन इज़ नीड, NEED. नीड मीन्स ज़रूरी. थर्ड वन इज़ लाइफ, LIFE. लाइफ मीन्स जीवन. फोर्थ ATMOSPHERE. एटमोसफियर मीन्स वायुमंडल. फाइव जो है हमारा ब्रेथ, BREATHE. ब्रेथ मीन्स सांस लेना. फिर है आपका स्टीम, STEAM. स्टीम मीन्स भाप. और आपका सेवन है वाटर वेपर, WATER VAPOUR. वाटर वेपर मीन जलवाष्प. आपका एट है प्रेशर, PRESSURE. प्रेशर मतलब होता है दबाव. और आपका नाइन है सेक, SHAKE. सेक मीन्स हिलाना. टेन है जम्स, GERMS. जम्स मीन्स कीटाणु या जीवाणु. और आपका इलेवन है डस्ट, DUST. डस्ट मीन्स धूल. ट्वेल्व है SMOKE. स्मोक मीन्स धुआं. थर्टीन है COUGH. कफ मीन्स खांसी. फोर्टीन है फैक्ट्रीज, FACTORIES. फैक्ट्रीज मीन्स कारखाने. और आपका फिफ्टीन है व्हीकल्स, VEHICLES. व्हीकल्स मीन्स वाहनों. और आपका सिक्सटीन है ब्रिज, BREEZE. ब्रिज मीन्स समीर. सेवनटीन है विंड, WIND. विंड मीन्स वायु. और आपका सेवनटीन है विंड, विंड मीन्स वायु. एटीन है स्टॉम, STORM. स्टॉम मीन्स आंधी. और आपका नाइनटीन है डैमेज, DAMAGE. डैमेज मीन्स क्षति या नुकसान. आपका ट्वेंटी है थंडर, THUND. या थंडर मीन्स बिजली. आपका ट्वेंटी वन है वेदर कॉक, WEATHERCOCK. वेदर कॉक मीन्स वायु की दिशा को बनाने वाला यंत्र या बताने वाला यंत्र, वायु की दिशा को बताने वाला यंत्र. और आपका 22 है लाइटनिंग, LIGHTING. लाइटनिंग मीन्स आकाशीय बिजली. आपका 23 है स्नीज, SNEEZE. स्नीज मतलब होता है छींक. वर्ड मीन्स आर कंप्लीटेड. सो मैं आपको इसी लेसन का क्वेश्चन आंसर भी कराने जा रही हूँ. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर दिया है फॉर क्लास 2 सब्जेक्ट साइंस एंड डेट इज़ 22/6/20 है. और चैप्टर है आपका 5, एयर द नीड ऑफ लाइफ है, हवा जीवन के लिए ज़रूरी. यहाँ पर फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, उसका आंसर बताना है, उत्तर बताना है. फर्स्ट है व्हाट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, हम वायुमंडल किसे कहते हैं, ठीक है, या वायुमंडल क्या है. आंसर है द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. वायुमंडल किसको बोलते हैं, तो वायुमंडल हवा के सतह को बोलते हैं, ठीक है. हवा के सतह को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं. या सेकंड क्वेश्चन इज नेम टू गैसेस प्रेजेंट इन एयर. आई रिपीट माई क्वेश्चन इन हिंदी, दो गैसों का नाम बताइए जो हवा में उपस्थित रहता है. द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर इज द टू गैसेस प्रेजेंट इन एयर. दो गैसों जो हवा में प्रेजेंट रहता है, जो हवा में उपस्थित रहता है, उनका नाम है. फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन, पहला हमारा ऑक्सीजन है. एंड सेकंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है. थर्ड क्वेश्चन इज विच थिंग्स मेक्स एयर डर्टी, कौन सा चीज़ आपकी हवा को गंदा बनाता है. तो द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर इज डस्ट. डस्ट मीन्स आपका होता है धूल. स्मोक, स्मोक मीन्स होता है आपको
स्मोक को हम हिंदी में बोलते हैं धुआं, एंड जर्म्स मीन्स होता है आपको कीटाणु, मतलब कि धूल धुआं और कीटाणु हमारे हवा को क्या बनाता है, गंदा बनाता है। तो डस्ट स्मोक एंड जर्म्स मेक एयर डर्टी। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी क्लीन द एयर अराउंड अस, हाउ कैन वी क्लीन द एयर अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ हवा को कैसे साफ रखेंगे। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी शुड प्लांट मेनी ट्रीज इन आवर सराउंडिंग्स, वी क्लीन द एयर सो वी क्लीन द एयर अराउंड अस। कह रहा है कि वी शुड प्लांट मेनी ट्रीज इन आवर सराउंडिंग्स सो वी क्लीन द एयर अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे जब बहुत सारे पौधों को लगाएंगे तब हम अपने चारों तरफ हवा को साफ रख सकते हैं या रखेंगे। तो आज का मैंने आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग बता दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको बताया है। इसको अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग में। और स्टूडेंट्स, और आई होप कि आप लोग अभी घर पे हो तो आपके पास तो पूरा होल टाइम होगा, तो आप इसको अच्छे से एकदम सुंदर राइटिंग में लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे को सेंड करना और मैं इसको चेक करूँगी। सो थैंक यू माई स्टूडेंट वॉचिंग माई साइंस वीडियो, एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।